दोस्तों नमस्कार। आज की शॉर्ट वीडियो में हम फ्रेजल वर्ब वियर ऑफ का सही मतलब जानेंगे। ज़्यादातर लोग इसका मतलब पहनना या पहनकर उतारना समझते हैं, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता। इसका सही मतलब होता है टू लूज इफेक्ट, यानी प्रभाव खोना, हल्का हो जाना, कमज़ोर पड़ जाना। चलिए एग्जाम्पल्स के ज़रिए इसको अच्छे से समझ लेते हैं। मेरी कमीज़ का रंग हल्का पड़ रहा है, आप इसे कहेंगे द कलर ऑफ माई शर्ट इज़ वियरिंग ऑफ, द कलर ऑफ माई शर्ट इज़ वियरिंग ऑफ। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, वॉशिंग मशीन की वजह से मेरे सारे कपड़े कमज़ोर पड़ गए हैं, आप इसे कहेंगे ऑल माई ड्रेसिज हैव वर्न ऑफ बिकॉज ऑफ वॉशिंग मशीन, ऑल माई ड्रेसिज हैव वर्न ऑफ बिकॉज ऑफ वॉशिंग मशीन। अब एक एग्जाम्पल है आपके लिए, समय के साथ साथ सब कुछ कमजोर पड़ जाता है, आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखने की कोशिश करना। आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।